हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस तड़कता भड़कता क्लास ऑफ ग्रुप थ्योरी। आइए कुछ सब ग्रुप बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं, बहुत अच्छी हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं गैलियन में से। अगर वो कंट्रोवर्सी नहीं आई होती तो अभी हम परम्यूटेशन की बाकी बची हुई चीज़ें कर रहे होते। हमें तो ईश्वर देता है, करो। जी 1 मिनट का टाइम दिया आपको, जल्दी से करिए। आज पूरी क्लास में सब ग्रुप और सब ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, और शायद मैं 1 स्टेप टेस्ट 2 स्टेप टेस्ट का प्रूफ भी करा दूँ आपको आज। रफ में ट्राई कीजिए, फिर मैं तुम्हें आपको लिखवा ही दूँगा, फटाफट कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 सेकेंड स्लो। सब ग्रुप बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं। यस हर्षिता, नकुल, सक्षम, आर यू पीपल ट्राइंग? यस सर। करो करो, ठीक था अब तो जो था। अब तो रहा नहीं। जो हमारे हाथ में वही करेंगे। हाँ जी, हो गया। अरे सर, अभी तो क्वेश्चन लिखा है हमने, अभी तो ट्राई करना भी शुरू नहीं किया, बस बातें बनाते रहना। सामने देखिए, एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड, प्लीज स्टॉप राइटिंग। सभी बच्चे लिखना बंद करेंगे। दिस इज जी स्टैंडिंग फॉर जीएल एंड दिस इज एच जो जिसकी बात हो रही है। हाँ जी, क्या ये, आई एम आस्किंग, क्या ये दो मेंबर्स लिखे जा रहे हैं। हाँ जी, इन दोनों में से एच का मेंबर कौन है और कौन नहीं, आप लोग बताएं। पहले वाले का डिटरमिनेंट कितना है, कितना आएगा, कितना आएगा यार, 2 आएगा। दूसरे वाले का डिटरमिनेंट कितना है, 2। तो क्या चाहते हो, ये माइनस में आएगा, हार्ट अटैक, सॉरी नहीं 1/8 आएगा। यस स्टूडेंट्स, देखिए डिटरमिनेंट, ओके लेट मी राइट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 2, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज 1/8। प्लीज ट्राई टू नोटिस ऑल ऑफ यू, प्लीज ट्राई टू नोटिस ऑल ऑफ यू। एंड जो इन्होंने बोला है, अगर बच्चा उसको सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहा है तो क्वेश्चन कैसे करेगा। ऐसा मेंबर लेना है जिसका डिटरमिनेंट क्या है, टेल मी, इज इट सम इंटीग्रल पावर ऑफ 2? यस इट इज इट सम इंटीग्रल पावर ऑफ कोर्स। अच्छा जरा आगे आइए, तो दोनों मेंबर हैं एच के मेंबर। All of you, please tell me. One. No. होगा भैया, होगा 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 होगा, डेफिनेटली होगा। मैं वही तो, आप फिर वही सिलेबस पे आएंगे तो कैसे चलेगा। Is it integral power of 2? क्या इशू है भाई? सब ग्रुप बनेगा तो आइडेंटिटी नहीं कैरी करेगा फिर? GL में तो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी होगा भैया। ऐसा जुल्म ना करो यार अपने साथ। जी टेल मी, इज इट अ मेंबर? क्या आप जीरो को 2 के पावर में लिख सकते हैं? कभी भी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना।
लिख सकते हैं, लिख के बताइए। चलिए हाँ, वो सर नहीं लिख सकते इसमें, यस सर। ठीक है ठीक है, देखिए मैं आपकी भावनाएं समझ गया, साथ दीजिए। एटलीस्ट आपको इतना ये बात समझ में आ गई कि जो एच लेंगे इसके मेंबर्स कैसे लेंगे। ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका डिटरमिनेंट सिंपली एक इंटीग्रल पावर ऑफ टू हो। मैंने हमेशा आपको ऐसे ही बताया, ऐसे ही पढ़ाया है। अब गलती तो बर्दाश्त होगी नहीं। आ जाओ यहाँ से दो मेंबर्स लो, बट मेंबर्स लेते टाइम थोड़ा सा ध्यान में ये रखेंगे कि सेट को बड़ा बनाएंगे, मेंबर को छोटा बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इतना बड़ा, मतलब क्लियर कट डिस्टिंक्शन दिखना चाहिए एलिमेंट के और सेट के। आपने बना दिया ऐसे, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। मेरे को समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। खुद ही को क्लियर नहीं होगा कि एलिमेंट क्या है सेट क्या है, तो प्रूव क्या करें? आइए सर सॉल्यूशन, स्टेप वन स्टेप टू। अब तो याद हो गया होगा तुम्हें क्लोजर, लेट ए एंड बी बिलोंग टू एच, दैट इज ए इज सम पावर ऑफ टू, नहीं इंटीग्रल पावर ऑफ टू। B is integral power of 2, where mn क्या rational numbers या integers? Integers. That is, what about AB? M integer, n integer. What about m plus n? Integer. So you know, अच्छा यहाँ A की जगह determinant लिखना है, because we are dealing in determinant. Sorry for that. तो साथ है ये. That is determinant of A is इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद डिटरमिनेंट ऑफ बी। भावना है तो आप समझ ही गए थे, बट डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ जी, भावना समझ गए थे ना आप? टेल मी, इसका जो डिटरमिनेंट है इज इट सम इंटीग्रल पावर ऑफ टू? ऑफ कोर्स, सो दैट मींस डिटरमिनेंट ए भी बिलोंग करेगा भाई। क्लियर हो गया मीनिंग? दैट्स थोड़ा बड़ा बनाइए, नहीं बताओगे कुछ, बताते ही नहीं तुम लोग तो। स्टेप नंबर इनवर्स, आंखें खोल के रखना। अगर ए एच में है, दिस इंप्लाइज व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, सम इंटीग्रल पावर ऑफ एन जेड में। हाँ जी, दिस इंप्लाइज व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। रुक जाइए, ठहर जाइए। हम सबको पता है भाई ए इनवर्स कितना होता है भैया, आइडेंटिटी। तो जो डिटरमिनेंट निकालेंगे आप ए इनवर्स का, वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट वन, थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट वन, nth ऑर्डर का डिटरमिनेंट वन। सो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस इक्वल टू दिस। फ्रॉम हियर व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए भाई, इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए। आप तो वैसे भी च्यवनप्राश के शौकीन हैं। तो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स, वन ओवर डिटरमिनेंट। ऐसे ही होता है। यस। तो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स, व्हाट शुड आई, थैंक यू वेरी मच, दिस इज 1 बाय डिटरमिनेंट ए, और ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर माइनस एन। एन इंटीजर है तो माइनस एन क्या है, वो भी तो इंटीजर है। So this implies A inverse B H में belong करे। बेटा जी clear हो गया? Yes sir. Copy. Wait for a second. What is this? Inverse. What is this? पढ़िए। Integral power of two. In place of integral power of two. Suppose we have integral power of three. Three power three minus one. अरे three में भी हो जाएगा। इंटीग्रल पावर ऑफ 5, समझ में आ गया? चेंजेस के लिए तैयार, फटाफट जल्दी करिए। भाई मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन परम्यूटेशन आपके सिलेबस में नहीं है। लग्रांजियस थ्योरम नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ऐसा कैसे हो सकता? कहीं से ऑथेंटिक सिलेबस निकलवाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको आगे के सेमेस्टर्स में भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें,
भाई दो चीज़ें थी, एक परमिटेशन ग्रुप था और एक लिग्रांजेस थ्योरम, तो जान है यार। अच्छा बताइए, जो घर बनता है अगर हम बात करें तो चार कॉर्नर्स होते हैं ना, या चार पिलर होते हैं, हाँ पिलर तो होने चाहिए कम से कम एक दो तीन चार। तो लिग्रांजेस थ्योरम इज कॉल्ड फर्स्ट पिलर ऑफ ग्रुप थ्योरी। पिलर ही नहीं है मकान में तो मकान का क्या होगा? ये दिल नहीं मान रहा भाई। चलिए अभी है हमारे पास एक हफ्ता, एक बार पूरा ऑथेंटिकली एग्जामिन कर लीजिए, यहाँ वहाँ से पता कीजिए। सब कुछ हमारे ऊपर नहीं छोड़ सकते अब, हम तो बैठे ही हैं कराने के लिए, हम तो ऑब्वियसली करा भी रहे थे, बट वो जो स्क्रीनशॉट्स आए हैं या जो दिखा है तो भाई ओके। रेडी फॉर नेक्स्ट? यस इधर मेंशन कर दीजिएगा। है ना इंटीग्रल पावर है, यहाँ भी मेंशन करो। रेडी? रेडी। नॉन एम्प्टी की दिखाना है। अरे दिखा देना यार नॉन एम्प्टी को, बस भी करो। नॉन एम्प्टी वो 1001, नॉन एम्प्टी के लिए ये लिख लीजिए। वन जीरो जीरो वन बिलोंग करेगा एच में, उसके लिए भी रीजन। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ 1001? ठीक है ना, जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इंटीग्रल पावर ऑफ 2 था वो एच में बिलोंग करेगा। रीजन समझ गए? अरे यस सर। भाई जो नॉन एम्प्टी के लिए पूछ रहे थे कम से कम वो तो रिस्पॉन्स दे दो यार। यस सर। ये रहा आपका नॉन एम्प्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डू इट। यस आर यू पीपल ट्राइंग? यस सर। प्लीज
देखिए सभी महान आत्माएं सामने आ जाएं। नहीं, एच के अंदर होने के लिए क्या है, जो आपका डायगनल है वो इंटीजर होना चाहिए। यस टेल मी, इज इट अ मेंबर ऑफ एच, इज इट अ मेंबर ऑफ एच? यस सर। जरा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो बताओ, डायगनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी डायगनल एंट्रीज का इनवर्स सिंपली। सो व्हाट इज द इनवर्स, विल यू प्लीज टेल मी? आवाज नहीं निकल रही, अरे कमाल कर दिया तुमने तो। कुछ आया समझ में? अरे तो इनवर्स है ही नहीं इसमें, देख लीजिए, देख लीजिए आपके सामने है, उसका इनवर्स ये, इसमें डायगनल की एंट्री सारी इंटीजर्स हैं, बट क्या इसमें भी डायगनल की एंट्रीज इंटीजर्स हैं? बोलो भैया। तो देख, दिस इज नॉट अ सब ग्रुप, दैट्स इट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इसमें क्या लिखेंगे सर? देखिए क्लियरली 2 0, और सिंपल कर लो, बट व्हाट इज 2 0 0 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? सिर्फ डायगोनल एंट्रीज का इनवर्स लिखना, 1/2 0 0 1, इज इट अ मेंबर ऑफ एच? अरे क्लियर हो गया? यस सर। यस यस सर। राइट इट डाउन, राइट राइट प्लीज राइट। Done? Yes, sir. Yes. Next question. Please try. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखना है क्या करना है, प्रूव कर सकते हो प्रूव करो, डिसप्रूव कर सकते हो डिसप्रूव करो, कुछ नहीं कर सकते छोड़ दो। तो क्या करना पसंद करेंगे आप, प्रूव करना डिसप्रूव करना या ट्राई करना? ट्राई। यस ऑनलाइन चैंपियंस, प्रूव प्रूव करेंगे डिसप्रूव करेंगे या ट्राई करेंगे? ट्राई करेंगे ना पहले, प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ चलिए करिए। एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड, पहले क्लैरिटी रखिए कि वो क्या है क्या रहे, सामने देखिए, प्लस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एच के अंदर कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट नॉन नेगेटिव हो। आई एम राइटिंग फोर एलिमेंट्स हियर, यू प्लीज टेल मी विच वन इज इन एच एंड विच वन इज नॉट इन एच, प्लीज एवरीवन।
वैसे तो बिहेव करना मत कि समझ में नहीं आ रहा है, डांट ही सुनोगे सीधा। पहले ये क्लियर कीजिए उसके अंदर क्या बैठा हुआ है, चले प्रूव करने और डिसप्रूव करने। यस, इनमें से क्या बिलोंग करेगा क्या बिलोंग नहीं करेगा। बच्चे आप लोग रिस्पॉन्ड, थैंक यू वेरी मच। सबको क्लियर, सबको क्लियर है? यस सर, थैंक यू। बिकॉज यहाँ टू और थ्री का प्रोडक्ट, बट यहाँ नेगेटिव हो जाएगा प्रोडक्ट, इधर भी नेगेटिव है यहाँ। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट का साइन सेम है ना, साइन साइन सेम। अच्छा, अब इसको प्रूव और डिसप्रूव करने का तरीका सुनिए, ध्यान से देखिएगा। यस स्टूडेंट्स, टेल मी, इज इट अ मेंबर ऑफ एच? बोलो भाई, मेंबर है या नहीं है? डेफिनेटली। अब जरा ध्यान से देखिएगा मैं Z2 कैसे लिख रहा हूँ, देन आई विल टेल यू द लॉजिक विद विच यू कैन जनरेट न्यू। आप लोगों को वो क्लास याद है जिसमें आपको बताया गया था यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी अ सब ग्रुप, याद है? Yes. फिर नेक्स्ट क्लास में बताया था कि वो कैसे होता है, या वैसे और एग्जाम्पल्स आप कैसे ले सकते हैं। कुछ 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 ध्यान में आ रहे हैं? 2Z के साथ 3Z ले लीजिए, 2Z के साथ 5Z ले लीजिए, 5 के साथ 7 ले लीजिए। हाँ, याद आया? कुछ याद नहीं है, बोलना ही नहीं है कुछ, बस खाली सिलेबस की माला जपी है सुबह जाओ। देखिए जरा Z2, ऑल ऑफ यू, ये सर आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, Z1 मेंबर है? बिल्कुल है। Z2 मेंबर है? बिल्कुल है। व्हाट अबाउट ये प्लस में, व्हाट अबाउट Z1 प्लस Z2? यस, ओह नहीं है, -1 प्लस आयोटा, ये हो गया भाई, ये हो गया बोरिया बिस्तर समेटने का टाइम। आया समझ में? यस। ये क्या हो गया, तो ब्लंडर हो गया। नाउ लेट मी, हां जी, नाउ लेट मी टेल यू, ये आप कैसे करेंगे, ऐसे एग्जांपल्स आप कैसे सोचेंगे। छोटा सा लॉजिक है, जरा ध्यान दीजिए एवरीवन। कुछ भी ले लीजिए रैंडमली, कोई भी नंबर मेंबर नंबर लिख दीजिए जो एच में बिलोंग कर रहा है, एनीथिंग अपने माइंड में आप सोच सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने ये सोच लिया, मैं लूंगा 2+3 आयोटा। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अगला 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 जो आपका रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट, एक को बढ़ा के लिखिए, दूसरे को घटा के लिखिए विद नेगेटिव साइन। जैसे इसको बढ़ा के 4 कर देते हैं और इसको कम करके सिर्फ 1 लिख देते हैं, या 2 भी आप लिख सकते हैं, और माइनस साइन। टेल मी, क्या ये भी एच का मेंबर है? बिल्कुल है। अब जरा बताओ इनका सम बताइए। अरे बताओ, So this is not a member of it. This way you can create infinitely many. दुनिया भर के तरीका समझ गए? Yes sir. करो ना फिर। This is not a subgroup. अच्छा, आपको लिखना कैसे है? नहीं, पेन से तो लिखना है, of course. आप ये लिखेंगे, choose this and this. Then, ये मतलब ढंग से जैसे प्रेजेंट करना सीखा है आपने, आपका choose Z1 equal to this much, Z2 equal to this much, then okay. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, मतलब एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं भैया।
फाइव मार्क का क्वेश्चन आया जब भी आया दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में ये क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आया है फाइव मार्क्स के लिए आए। अच्छा ये मान लीजिए इस बार ये आपके एग्ज़ाम में आया और फाइव मार्क्स के लिए नहीं आया, थ्री मार्क्स के लिए आया, फिर क्या करेंगे? फिर मेरे पे केस कर दीजिएगा कि मेरी हमारी फीस वापस करो, ऐसे करोगे? ठीक है ठीक है ओके। देखिए व्हाट इज जी एंड व्हाट इज एच यू शुड बी क्लियर विद। दिस इज जी एंड दिस इज एच। एच में होने के लिए, जी में होने के लिए तो 2x2 मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज इंटीजर्स है, छोड़ दो। बट एच में होने के लिए क्या चीज है, ये जो चारों एंट्रीज है इनका सम जीरो होना चाहिए। लेट मी राइट 2 or 3 or 4 एलिमेंट्स एंड आई एम आस्किंग इसमें से क्या एच में है और क्या नहीं है। मैंने तो यहाँ लिखा है इज एच अ सब ग्रुप ऑफ जी, बुक में क्वेश्चन था शो दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड उसके बाद पूछे उन्होंने व्हाट इफ जीरो इज रिप्लेस्ड बाय वन। तैयार हो जाओ, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन याद रहेगा। आइए स्टेप वन स्टेप टू, आप और आपका प्यारा वन स्टेप टेस्ट टू स्टेप टेस्ट जैसे भी करिए। स्टेप वन एंडी क्लोजर, स्टेप टू इनवर्स। अभी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं वन स्टेप टेस्ट लगाने जा रहा हूँ। वन स्टेप टेस्ट, व्हाट इज वन स्टेप टेस्ट? अगर ए बी एच में है, ए बी इनवर्स, हेलो यस सर, दिस इज ए कंबाइंड विद बी इनवर्स। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्या होगा? This is a belongs to a plus के रिस्पेक्ट में a plus minus b, ये मैं बता चुका हूँ आपको, that is a minus। अगर दो members h में हैं, यानी अगर a और b h में हैं, तो उनका difference भी h में होना चाहिए। Let us see ये होगा या नहीं होगा, होगा कैसे नहीं। अब no step one to कुछ नहीं, देखिए सीधा solution straight away। Let a and b belong to h, थोड़ा एच बड़ा बनाना। दैट इज ए लुक्स लाइक बी वेयर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज जीरो। साथ है ये, हमें चाहिए ए बी इनवर्स। तो व्हाट इज ए बी इनवर्स यहाँ? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी तो दिख ही रहा है आपको, ए माइनस, ओके लेट मी राइट, अच्छे से लिखेंगे ना तभी तो जगह भरेगी। आओ आओ माइनस, हाँ जी आई एम क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ यू, आई एम क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी महान आत्माओं से रिक्वेस्ट है जरा बताइए ये एच का मेंबर कब होगा? ये एच का मेंबर तब होगा जब इसकी सारी एंट्रीज का सम जीरो हो। ये एच का मेंबर तब होगा जब इसकी सारी एंट्रीज का सम जीरो हो। तो महानुभावों बताओ जरा ये एच का मेंबर कब होगा? आंसर दो ना। बहुत बढ़िया, मैटर ऑफ टाइम। तो ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस वाई प्लस सी माइनस जेड प्लस डी माइनस टी। हाँ जी ए बी सी डी को साथ में ले लीजिए, ले लिया जी। एक्स वाई जेड टी को भी साथ में ले लीजिए, इसको भी ले लिया जी। नाउ दिस विल बिकम जीरो माइनस जीरो, ओह जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, अबे तो भी तो जीरो ही आएगा। क्लियर हो गया भैया? हेलो इज द आर्गुमेंट क्लियर? ये फाइव मार्क का क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। व्हाट इज जीरो इज रिप्लेस बाय वन, ओके मैं ये दूसरे वाला कर रहा हूँ, ये दिस वन साथ दीजिएगा आ जाएगा आपको समझ में। व्हाट इफ जीरो इज रिप्लेस बाय वन, लेट मी इसको तो एच ही रहने देते हैं और जो नया वन वाला है उसको एच स्टार या एच वन बोल देते हैं। एच वन नहीं, व्हाट इज एच वन? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम कितना है? थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए।
साथ दीजिए। ठीक है, देन एच इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ बी। रीजन सुनो भैया, सुनो सुनो सुनो, ये मीठी मीठी कहानी सुनो। एच वन पिछले वाले पेज के लिए था आपको यही है। हाँ जी, टेल मी इज इट अ मेंबर ऑफ एच? यस, इज इट अ मेंबर ऑफ एच? यस सर। इज इट अ मेंबर ऑफ एच? यस इट इज। यस सर। व्हाट अबाउट ए प्लस बी? ओहो, दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ एच। सारी एंट्रीज का सम जीरो होना, वन होना चाहिए था। क्या सारी एंट्रीज का सम वन है? बिल्कुल भी नहीं। गया रीजन 1000 belongs to H and 0100 belongs to H, but what about their sum 1000 plus 0100? This is equal to 1100 and this is not a member of H. Reason आपको पता है ना? Yes sir. तो एच सब ग्रुप नहीं है, नहीं है? Yes, sir. अब जरा इस बात का जवाब दीजिए आप सभी लोग। हाँ जी, इस पेज में लिखा है व्हाट इफ जीरो इज रिप्लेस्ड बाय वन। आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, सॉरी। Yes, sir. साथ दीजिए जरा, ऐसे अब यहीं देख लेना, आ जाएगा समझ। Yes, what is zero is replaced by two. Just see, just कोई बात नहीं। अरे कुछ नहीं होता है यार, काहे परेशान हो रहे हैं। Is it a member of H? Yes. Is it a member of H? Yes. What about their sum? Answer दीजिए। कहाँ गायब हो गए? No sir. Answer नहीं दोगे? ठीक है। No sir. अब ऐसे नहीं नहीं सर, anything नहीं। Clear हो गया आप लोगों को? Yeah. Okay. One more. Sir. हाँ जी, what is zero is replaced by root 3। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया? यहाँ जीरो के अलावा कुछ भी लिख दिया तो सब ग्रुप नहीं बनेगा, और आपके सामने तरीका भी है प्रूव कर, प्रूव और डिस्प्रूव करने का। चलिए करिए, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ छुपा हुआ था? Important question, important from examination point of view. And you done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे देखिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन आपको करा दिया गया है जो एग्जामिनेशन टाइप का था। अब अगला क्वेश्चन, ये भी पूरे पूरे चांसेस है आने के, दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है।
नाइस क्वेश्चन अगेन इट मे कम इन योर एग्जाम स्पेशल बार बार तो नहीं लिखा जाता प्लीज ट्राई ऑल ऑफ यू ट्राई क्या करना है प्रूव भी कर दीजिए जी कहाँ तक बड़ी गाड़ी लोग कॉपी करके बैठ गए तुम लोग कुछ प्रूव प्रूव करोगे या नहीं आइए देखिए कराते हैं इस पिक्चर में जो आपके सामने पिक्चर है इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं एक एच है और एक के है डिस्टिंक्शन होना चाहिए दोनों में क्लियर एच दिया हुआ है सब ग्रुप वाह भाई वाह और के को सब ग्रुप प्रूव करना है सो लेट अस सी एच में क्या है और के में क्या है मैं अलग से बना देता हूँ ये आर विद रिस्पेक्ट टू प्लस में एच बैठे हुए हैं ये दिया हुआ है आपको और ये आपका क्या है आर स्टार डॉट इसमें के को बिठाइए और पहले देख लीजिए के के अंदर मेंबर्स क्या क्या हैं समझ में आपको आ जाएगा अगर आपने जरा सा भी थोड़ा सा भी किसी बच्चे ने ट्राई किया तो जरा मेरे साथ आओ के अंदर टू पावर ऐसा वैसा पावर नहीं है वो जो पावर लिखा है ना ए वो कहाँ से आना चाहिए ओहो कमाल हो गया भाई तो अगर इसके पास ए के पास एच है तो के पास है टू पावर ए अगर इसके पास बी है तो के पावर है टू के पास है टू पावर बी बात तो के एक्चुअल में एच की शक्ल देख के डिफाइन हो रहा है ऐसे फ्री में कुछ नहीं लिख देंगे आप टू पावर बिल्कुल भी नहीं अच्छा एक चीज़ बताइए इतना समझ लिया आपने यस अगर मैंने यहाँ लिख दिया टू पावर पी तो ऐसे मैं कब लिख सकता हूँ दिस इज पॉसिबल ओनली इफ पी बिलोंग्स टू एच ना एच में वही हाँ जी यही आपको देखना है आज ही अभी करा दूँ यहाँ पे तो नॉन एम्प्टी भी कराएंगे नॉन एम्प्टी छोड़ रहा हूँ मैं वैसे लेकिन अब यहाँ करा दूँगा आ जाओ देखो भाई सॉल्यूशन क्लियर कर लीजिए एच गिवन है टू बी सब ग्रुप दैट मीन एच विल फॉलो क्लोजर आइडेंटिटी इनवर्स दिस थिंग ऐसा सब कुछ है वहाँ पे एच के एडिशन में लेकिन के को आपको सब ग्रुप शो करना है तो यहाँ वन स्टेप टू स्टेप जो भी आप लगा सकते हैं आइए जरा लगाते हैं और ये ऑपरेशन भी ध्यान रखिएगा वहाँ प्लस है या डॉट एंड डॉट स्टेप वन स्टेप टू वट एवर यू वॉन्ट जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड चलिए क्लोजर से और इनवर्स से करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार हम लिखने जा रहे हैं कि क्लोजर किस में दिखाएंगे और इनवर्स किस में दिखाएंगे अब से पहले क्यों नहीं लिखा था अब से पहले जिसको सब ग्रुप प्रूव करना था वो पिक्चर में इकलौता होता था अब दो दो है ना एच भी है के भी है ज़रा मैंशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताइए क्लोजर किस में शो करेंगे एच में है के में है बोलो भाई हाँ जी कहीं यहाँ दो मेंबर्स ले रहा हूँ मैं आंखें खोल के रखिए इनका क्लोजर यानी इनका मल्टीप्लिकेशन
suppose x and y belongs to k, that is x takes the form, sab kuch free mein aa raha hai, nothing comes for free, yaad rakhiye, 2 power a and y is equal to 2 power b, mention karo a b ke, integer, sare kahan se, ye kaun si duniya mein hai, real number, kamal kar diya itna padhane ke baad, band baja rahe hai, kamal kar rahe ho tum bhi, x को लिखा आपने 2 पावर, इतना खूबसूरत क्वेश्चन है, बस इसकी वॉट लगाने को तुले हैं। अब रुकिए, आइए इधर, व्हाट इज एक्स वाई, ऑपरेशन का ख्याल रहे, इधर मल्टीप्लिकेशन है उधर एडिशन, तो व्हाट इज एक्स वाई, 2 पावर a, 2 पावर b, व्हिच विल बिकम 2 पावर a+b, हां जी, ये h का, ये k का मेंबर कब होगा, पावर देखो, पावर बताओ बताओ, a plus b जब h में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मार लिया मोर्चा आपने, नहीं a और b h के मेंबर्स हैं, h तो सब ग्रुप है प्लस में, सब ग्रुप है तो क्लोजर भी तो कंटेन करेगा भैया, a से 2a, b से 2b, तो a plus b से क्या 2 पावर a plus b, तो यहाँ रीजन लिख रहे हैं, सिंस a comma b belongs to h and h is a subgroup will imply a plus b, z तो है नहीं ना, सेट भी मेंशन करना पड़ेगा, नहीं आप सभी महानुभावों को ये आर्गुमेंट समझ में आ गया, बोलिए यस सर, यस सर, यस सर, कॉपी करिए, अभी तो क्लोजर हुआ है, अभी तो इनवर्स भी करना है भैया, पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने हैं अभी, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की दो थ्योरम्स आपको बताई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिक ग्रुप में एक इम्पॉर्टेंट था और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, वो सारी थ्योरम्स एग्जाम में आने लायक है, अभिलन ग्रुप में चार पांच रिजल्ट्स का प्रूफ है, वो एग्जाम में आने लायक है, और ये दो जो भी दो क्वेश्चंस हुए हैं ये भी, डन, यस सर, टैप नंबर टू के लिए तैयार हो जाइए आप सब लोग, देखो भैया टैप नंबर टू, मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि एचडी पिक्चर में, सो लेट एक एलिमेंट ले लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल के, दैट इज एक्स टेक्स द फॉर्म 2 पावर पी, वेयर कुछ नहीं बताऊंगा, मैथमेट की कॉपी कर रहे हैं खाली, हाँ भाई यहाँ अगर आपने 2 पी लिख दिया तो पी कहाँ से आ रहा होगा, तो एच, दिस इज योर पी, बहुत बढ़िया जी, हाँ जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 ओवर, नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब 1 ओवर द नंबर, सो दैट इज 1 ओवर 2 पावर पी, लेट मी राइट, बट 1 ओवर 2 पावर पी सेम एज 2 पावर माइनस पी, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, सो इट इज 2 पावर माइनस पी, आई एम क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ यू, बेटा जी ये के का मेंबर कब होगा, ये के का मेंबर कब होगा, माइनस पी, अरे आ गया मजा, पी एच में और एच तो सब ग्रुप प्लस में, तो एडिटिव इनवर्स, यस, पी हियर 2 पी हियर, माइनस पी हियर 2 पावर माइनस पी हियर, लीजिए कमाल का क्वेश्चन है भैया, रीजन पी बिलोंग्स टू एच एंड एच इज अ सब ग्रुप, जी का नहीं आर प्लस का,
दिस इम्प्लाइज माइनस पी एच में बिलोंग करेगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? करिए करिए, ये तो लिखना पड़ेगा भाई, ये तो बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन ही क्लास है। देखा लिखा है ना स्पेशल, गलत तो नहीं लिखा? Yes. जी अगर कॉपी कर रहे हैं आप लोग तो ये वेयर वाली बात बात तो रह गई। वेयर टीम बिलोंग्स टू एच, देन इज इट डन? यस सर। यस सर। भाई अब ये इतना अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको कि इसका नॉन एम्प्टी भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा। आओ भाई नॉन एम्प्टी भी करा के मानेंगे। अभी स्टूडेंट सामने देखें, एच गिवन है और के को आपको नॉन एम्प्टी शो करना है। सब ग्रुप तो हो गया, खैर नॉन एम्प्टी वाला देखिए, इधर आइए। हाँ जी, एच क्या है, एच क्या है, सब ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन में है या एडिशन में है? एडिशन में। एडिशन का, एडिशन का आइडेंटिटी बताओ जल्दी। जीरो। ओह जीरो। आया समझ में? वन वन, दिस इज वन, दिस इज वन, बट तरीके से है ना, तरीके से है। देखिए नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी के लिए कैसे लिखेंगे, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, this implies 0 belongs to H, but अगर 0 H में है तो 2 raised to power 0 K में। अच्छा ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, हाँ देख तो लो क्या लिखना है। H K को मिक्स करेंगे, सारी मेहनत पर पानी फेरेंगे, इतना अच्छा क्वेश्चन है। so this implies K is non-empty. ये आप एक लाइन में एंड में लिख सकते हैं, बट वो प्रेजेंटेशन इतना शानदार है कि छोड़ने का मन नहीं किया। yes. सब ग्रुप वाली क्लास की आपने शुरू में, सब ग्रुप जब कराया था, है अभी आपके पास? नहीं, मैंने नोट्स में बनाया उसके, लेकिन इसके नोट्स बनाए मेरे घर पे पड़े, इसके नोट्स में तो वैसे पुराने वाले लेक्चर्स के बनाए हैं। सब ग्रुप जिस जिस दिन शुरू किया है, नहीं नहीं वो नहीं बनाएंगे सर, तो भी लिख रही मैंने, कब बनाएंगे लिख रही। ऐसे पढ़ते हैं। हाँ जी आप सभी लोग, जिस दिन सब ग्रुप, जब सब ग्रुप इंट्रोड्यूस किया गया था वन स्टेप टेस्ट टू स्टेप टेस्ट के साथ, तो मैंने आपको, मैंने आपको दो तीन क्वेश्चंस कराए होंगे, अपने नोटबुक में देख सकते हैं अगर है तो। उसमें से एक था कलेक्शन ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ जी। Yes sir. In an abelian group, the collection of all the squares form a subgroup. Yes sir, correct. वो important है, important question है, exam में आ सकता है। अच्छा, क्या unit circle वाला भी कराया है? No. नहीं कराया है, अभी लो। मैं करा दिया था आपने। वही मैं। unit circle को लेके कुछ बात थी, तो ये भाई ये भी exam में आ सकता है। भाई ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसी चीजें छोड़नी नहीं चाहिए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सी मैं टाइम नहीं खराब कर सकता, आप लोग आइए जरा साथ में, आप ही लोगों को बुलाया जा रहा है, कोई और तो आएगा नहीं, आ जाओ। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लीजिए, ऐसे ही है, डेफिनेटली ऐसे, तो मॉड जेड इज वन, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग अंडर रूट इज वन, विच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वन, एम आई राइट? यस। ये देखिए क्या चीज, क्या इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसने जिसका मॉड वन है, सो ऑन कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद यूनिट मॉड्यूलस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, collection of those complex numbers whose modulus is 1, yeah, collection of those complex numbers with unit modulus, just wait, wait, अरे आगे देखो है क्या चीज़ है, आप तो बैठ के कॉपी करने लगे, समझेगा कौन, ये किसका इक्वेशन है बताओ बताओ, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, जी सर्कल, कौन सा सर्कल, सेंटर, अब ये मत बोलना गोल सर्कल, अरे कुछ बताओ यार, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, सेंटर जीरो को रेडियस वन होगी, और सर्कल में क्या बताया जाता है, सेंटर और रेडियस तो बताया जाता है, वही नहीं बता रहे, सो दिस इज यूनिट सर्कल, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट्स, ओहो ये क्या चीज है, अगर ये ऐसे लिखा है तो आप पहचान नहीं पा रहे हैं, हाँ हाँ आप क्यों पहचानेंगे, ओके अंजी ये क्या चीज है, ओहो दिस इज यूनिट सर्कल, तो ये दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट सर्कल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, वो यूनिट सर्कल जिसने आपको ज्योमेट्री में कदम रखना सिखाया भाई साहब, वो यूनिट सर्कल एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप यानी ग्रुप है, बहुत बड़ी चीज है, ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें यूनिट सर्कल ऐसे बनता है, ये वाला पोर्शन भाई, अभी इसको छोड़ा बस, अब तो मार ही पड़ेगी सीधा, आपको पॉइंट्स पता है, पाई बाय फोर कॉस पाई बाय फोर साइन पाई बाय फोर, इधर ही तो आएगा वाई इज इक्वल एक्स लाइन पे, ऐसे ही यू नो सब सब कुछ आ जाएगा, आपको सब बताया हुआ है, वैसे ज़रा ये सी इसी पे बात करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी आप कैसे भी कर सकते हैं, अब हम इसको सब ग्रुप प्रूव करने जा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन का बैंड मत बजा देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसके अंदर एच बैठा हुआ है, हाँ जी एच को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए जेड वन लो जेड टू लो, आप इसमें भी काम कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, चिंता नहीं करिए, हाँ जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन करना है तो जेड वन जेड टू है तो जेड वन मल्टीप्लाइड विद जेड टू भी होना चाहिए, आइए ज़रा साथ में, क्लोजर इनवर्स, तो स्टेप वन जेड वन एंड जेड टू अगर एच में है तो ये वन है, इनका मॉडुलस वन है, इनका मॉडुलस वन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड वन मल्टीप्लाइड विद मॉडुलस ऑफ जेड टू, ये भी वन है जी, बट मॉड ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मॉड, एग्री करते हैं, मना तो कर नहीं सकते आप, हाँ जी लास्ट लास्ट में देख के बताइए किस का मॉड्यूलस वन है, किस का, अरे ये तो बात बात में क्लोजर हो गया जी, ऐसे ही होता है, अब इनवर्स पे ही बात बात में बात बन गई, स्टेप नंबर टू इनवर्स, सपोज z equal to a plus iota b belongs to h, that is what is a2 plus b2, 1 yes sir, हाँ जी that is what is z inverse, आप समझ रहे क्या करना है, rationalize करना है, divide by क्या बन गया, क्या बन गया, A minus iota b divided by 1
व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन? ओहो ओहो ओहो, अरे ठहरो भैया, कहाँ जा रहे हो? ऊपर चलो, ऊपर ऊपर, इधर जी। यहाँ एच में होने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर एडेड विद इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर शुड बी वन। रियल पार्ट का स्क्वायर इज ए स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज माइनस बी का होल स्क्वायर, बट माइनस बी का होल स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही होता है। अरे ये तो कमाल, ये तो कमाल ही हो गया जी। रीजन सुनिए, ए स्क्वायर प्लस माइनस में बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज वन। बात समझ में आ गई आप सबको? इस क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया? क्या सिखाया इस क्वेश्चन ने? यूनिट सर्कल इज अ सब ग्रुप, उससे भी बढ़ के यूनिट सर्कल इज अ ग्रुप, इतनी बड़ी चीज है। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो आपने वहाँ पढ़ा था, क्या नाम है, स्कूल में, उसमें यूनिट सर्कल बहुत अच्छा स्थान रखता है, आपको पता है। इट हैज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ सबसे अच्छा वही लगता है। तो सारी ज्योमेट्रिकल फिगर ग्रुप नहीं बना पाती, लेकिन यूनिट सर्कल बनाएगा। इवन स्ट्रेट लाइन में भी परेशानी है ग्रुप बनाने में, लेकिन ये बना लेगा। लास्ट वाला स्टेप वापस बताना है, क्या बताऊं जी इसमें? यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा ये भी छोड़ दो, रैशनलाइज करके ये आ गया समझ में? आ गया? यस सर। अब रुक दो, उधर मत देखो, आंखें बंद करो पहले। अरे कर लो यार, क्या मजाक थोड़ा ना करो। आंखें बंद किया आपने? हेलो, नहीं आंखें बंद करके देखना नहीं है ना, पहले आंखें बंद तो कीजिए। मैंने बोला आपको आंखें बंद करके देखो, आप जरा सी बात नहीं मान सकते। आंखें बंद कर लिए हो तो अब आंखें खोल लीजिए और इधर आइए, सब कुछ छोड़िए उधर का, यहाँ बात कीजिए मेरे। ये आपका सी स्टार डॉट में है, जो बोला जाता है ना मान लिया कीजिए, आपका नुकसान थोड़ी ना होने देंगे। तो ये आपका एच सब ग्रुप बनाना है प्लस में। हाँ जी, ये स्टेटमेंट देख के बताइए, क्या ये एच का मेंबर है? yes. अरे पहले लिख तो लेने दो भाई, कमाल हो गया। कौन सी स्पीड है? हाँ डरा दिया है तुमने तो। Yes, all of you, is it a member? Is it a member of H? No, it can't be. It can't be. What is 2 square plus 3 square? 1 थोड़े ना होता है। ठहरो ठहरो। Is it a member? बिल्कुल भी नहीं। What is 1 square plus 1? नहीं, ये भी नहीं। अरे रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो अभी? साथ आओ। तुम्हें आंखें बंद करने के लिए बोला था, वो तुमसे बंद की नहीं गई। आंसर दीजिए, इज इट अ मेंबर ऑफ एच? यस, डेफिनेटली इट इज। हाँ बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया जी। अब ये बताइए, अगर मैंने यहाँ पी प्लस आई क्यू लिख दिया है, तो ये पी प्लस आई क्यू एच का मेंबर कब बनेगा? जब वन होगा। हाँ जी, दिस विल हैपन ओनली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बहुत बढ़िया जी, अब मैंने यहाँ लिख दिया ए माइनस आई क्यू। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ए माइनस आई बी का मतलब ए प्लस आयोटा टाइम्स माइनस बी। हाँ जी, जो पूछ रहे थे, जरा ये बताइए ये नंबर एच में कब बिलोंग करेगा? सही सही जवाब दो। ये एच में कब बिलोंग करेगा? बहुत गलत बात है, स्टूडेंट्स रिस्पांस नहीं देते। वही तो लिखा है भैया, अब आया समझ में? मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आपको यही चीजें याद रहेंगी ग्रेजुएशन के एंड पर, जो इस तरीके से पढ़ी हैं। मैं और किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा, देख लीजिएगा पूरे थ्रू आउट द लाइफ, यही सब याद रहेगा तुम। चलो लिख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? हाँ जी, इसमें नॉन एम्प्टी सर, नॉन एम्प्टी वाले एलिमेंट्स आपके सामने, कोई भी एक मेंशन कर देना, 10 मेंशन कर दिए कर दीजिएगा। हाँ जी, 1 कैन बी रिटन एज यस, 0 आई होता हूं भैया, क्लियर है? नॉन एम्प्टी। हेलो, आर यू देयर? यस यस सर। आई थिंक आज बहुत हो गया, चलो अब जाओ। अब वैसे भी क्या परमिटेशन है, वैसे भी डिप्रेशन में डाला हुआ है, मेरे तो दिल ही धड़क रहा है, पता नहीं क्या होगा। इनको सिलेबस नहीं क्लियर करके दिया इन्होंने। चलिए, थैंक यू। अपना
क्लियर कर लीजिएगा एक बार, फ्रेंड से पूछ लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए, बिकॉज बिना परमिटेशन के ग्रुप थ्योरी नहीं हो सकता। अच्छा, मैं क्लास एंड करने से पहले एक बात बता दूँ आपको, देखिए जब हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया था छोटे लेवल पे, जब हमें सबसे पहले ऑपरेशन सिखाए गए थे वो क्या थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप बताओ इनिशियल स्टेज पे आपने, हाँ जी, आर यू लिसनिंग, आपने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, लेकिन डिवीजन नहीं सीखा, तो आगे क्या हाल होगा आपका, समझ रहे हैं? Yes. इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, परम्यूटेशन, डाइहाइड्रल ग्रुप और उसके साथ साथ लैग्रांजियन थ्योरम, वही चीज़ है। अब उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से पेपर, वो क्या नाम है, सिलेबस रीडिफाइन करके जनरेट कर दिया या सर्कुलेट कर दिया कि ये सिलेबस है। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने रियल एनालिसिस पढ़ा है, सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, हाँ जी, बिना सीक्वेंस पढ़े सीरीज का तो कोई सेंस नहीं है, पढ़ लेते हैं अलग बात है, या सीक्वेंस सीरीज तब होगा जब जाके आप मॉड्यूलस तो करो पहले, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज नहीं पता आपको, चले मैथमेटिक्स पढ़ने, ऐसे कहीं हो सकता है भला? आप बच्चों से कहते सुनेंगे कि मॉड्यूलस सिलेबस में ही नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? तो हमारे हिसाब से परम्यूटेशन, डाइहाइड्रल ग्रुप और लैग्रांजियन थ्योरम, अगर परम्यूटेशन, डाइहाइड्रल ग्रुप आपने नहीं भी किया तो भी लैग्रांजियन थ्योरम तो इसी स्टेज पे अभी हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है, वो सारी चीज़ें आप कर चुके हैं जो आपको लैग्रांजियन थ्योरम तक लेके जाएंगी, उसको फर्स्ट पिलर बोला जाता है ग्रुप थ्योरी का। पिलर समझते हैं? Yes, sir. भाई हमारे हिसाब से तो होना चाहिए, हम कराने के लिए बैठे हैं, बट अब जिस तरह की चीज़ सामने आई है हमारे भी हाथ बंद गए। आज तो मैंने वही चीज़ कराई जो आपके सिलेबस में सच में अनडाउटेबली है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।